दीपावली से पहले नीमच के अतिरिक्त पुलिस सड़कों पर उतरी और सड़क पर जमी दुकानों का सामान हटवाया। इस दौरान सूबेदार मोहन भर्रावत की मौजूदगी में यातायात पुलिस कर्मियों ने दुकान संचालक को समझाइश दी। जब इससे बात नहीं बनी तो चालानी कार्रवाई भी की गई। मीडिया को सूबेदार मोहन भर्रावत ने बताया कि दीपावली का त्यौहार आने वाला है, इस दौरान काफ़ी भीड़ बाजार में आती है। आज यातायात पुलिस अमले ने बाजार का जायजा लिया। वहीं जिन दुकानदारों को सामान दुकान से बाहर रखा हुआ था उन्हें समझाइश देकर सामान हटवाया गया। उन्होंने कहा कि जनता को त्यौहार के समय परेशानी नहीं आए इसके लिए माकूल इंतजाम किया जाएगा। देखिए अभी आगामी कुछ दिनों पश्चात दीपावली का त्यौहार आना है और दीपावली के त्यौहार में भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जिससे मार्केट में आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है। उसी को दृष्टिगत रखते हुए जो दुकानदार जिन्होंने अपना सामान बाहर लगा रखा है दुकान के उन लोगों को समझाइश भी दी गई है। कुछ लोगों के सामान जो बहुत ज़्यादा बाहर थे उन लोगों को अंदर भी करवाया गया है और सभी से अपील की जा रही है कि अभी त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए कोई भी व्यक्ति अनावश्यक अतिक्रमण ना करे और आम जनता को आने जाने में कोई परेशानी नहीं हो इसका बिल्कुल ख्याल रखे। सर केवल समझाइश दी जा रही है, चालानी कार्रवाई की भी स्थिति बनी गई? नहीं बिल्कुल, जहां अगर कोई आदमी समझाइश पे मान जा रहा है तो उसमें समझाइश से काम हो जा रहा है। अगर कोई आदमी बार बार उसका समझाइश के बाद भी नहीं पालन करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। नहीं नहीं बिल्कुल इसको हटवाया जा रहा है। जो जिस प्रकार से अलग से टेंट लगा के आगे जो सामान जमाने की प्रथा है उसको भी रोकने का प्रयास किया जा रहा है और लोगों को समझाइश दी जा रही है कि इस तरह के कार्य ना करें ताकि आम जनता को परेशानी हो। नीमच से आसिफ अली की रिपोर्ट।